अब महंगाई ये मान के चलो कि महंगाई इस स्तर पे नहीं है, इस स्तर पे वैक्सीन तो वो तो उनका काम है, वो तो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो लोग मर जाएंगे, तो उनको कहाँ दफनाएंगे, क्या करेंगे? सरकार से देखो, सरकार से नाम मात्र के खुश है। महंगाई तो आज की डेट में आप ये देख लो कि प्राइवेट नौकरियों में, जो प्राइवेट नौकरी ऑलमोस्ट 60% लोग आज की डेट में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सैलरी क्या ले रहे हैं? 6,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक। अब आप मुझे ये बता दो, 6,000 करीबन यहाँ देहरादून जैसे शहर में किसी भी किसी का भी किराया दो रूम सेट का कम से कम नहीं भी तो 5,000 रुपये। आदमी 5,000 रुपये किराया देगा, उसके बाद वो अपनी 7-8 हज़ार रुपये की सैलरी में 3,000 के रूम में अपने बच्चे पालेगा या उनकी स्कूल की फीस भरेगा, क्या तो करेगा? अब महंगाई ये मान के चलो कि महंगाई इस स्तर पे नहीं है, इस स्तर पे हर चीज़ में, और पेमेंट जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से जो पेमेंट जो मिल रहा है, वेजेस जो मिल रहा है वो महंगाई इतनी है तो वेजेस जो मिल रहे हैं वो इतना सा है। तो खुश है सरकार से? सरकार से देखो, सरकार से नाम मात्र के खुश है। ठीक है ना, 107 रुपये लगाया और क्या किया आप? 107 रुपये बढ़ा के एकदम से 2 रुपये कम कर दिया, तो लोगों को तो ये लगा कि हाँ जी कुछ तो कम हुआ, लेकिन ये भी तो है कि 75 से सीधा इन्होंने क्या कर दिया, 106 कर दिया। अगर इसी साल की बात करो, 28 रुपये पेट्रोल पे और 26 रुपये डीजल पे बढ़ चुके, 80-82 चल सकता है, लेकिन आप 75 से सीधे 107.5 कर रहे हो, फिर अचानक से 2-3 रुपये घटा रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। डीजल और पेट्रोल महंगा होने से जो है सारा आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है, हमको लोग पैसे नहीं देते, कोई खाता है तो उसको भी नहीं देते, सिलेंडर इतना महंगा हो रखा है, ये सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है हमारे लायक। सरकार ने क्यों नहीं करा? आप सरकार ने फ्री गैस दी, सिलेंडर दिया, राशन दिया। सर फ्री कहाँ दिया, फ्री तो दिया ही नहीं, कुछ भी चीज़ फ्री नहीं। फ्री वैक्सीन तो लगाई है? वैक्सीन तो वो तो उनका काम है, वो तो लगाएंगे ही, नहीं लगाएंगे तो लोग मर जाएंगे, तो उनको कहाँ दफनाएंगे, क्या करेंगे? उनके साथ कुछ कर तो नहीं सकते ना उनका। काफ़ी दिक्कत है आपको? हाँ बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ी के पेपर ख़त्म है, काम चल नहीं रहा है, घर पे परेशानी है, सब कुछ है। आए तो भाई, ये भैया देख लो, हम लोग गरीब आदमी हैं, यहाँ फुटपाथ पे कमा रहे हैं, अभी 80 रुपये टमाटर दे रहा है, 50-60 रुपये प्याज है सब, भैया क्या करें हम लोग, कहाँ से पूरा करेंगे सब बताओ। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे सर 5 बच्चे हैं। तो आपकी कमाई पूरे दिन में कितनी हो जाती है? पूरे दिन में भैया वही 1800-1900-1500 का ही काम होता है भैया। अच्छा जी, और क्या क्या दिक्कतें आ रही है? सरकार से खुश हैं? सरकार से क्या खुश रहेंगे भैया जी, बताओ। अब सरकार इतना महंगाई कर रखा है तो हम लोग कहाँ से जिएंगे बताओ। अब जहाँ भैया इतने महंगा करके 30-40 रुपये भैया रोटी थाली बेच रहे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे? इतना महंगा कहता भैया रोटी दे रहे और कहीं चला जाता है, लोग कहते भैया। सरकार फ्री अनाज भी तो दे रही है हमको सर? नहीं ना, यहाँ का राशन कार्ड कूट तो है नहीं सर। अच्छा राशन कार्ड नहीं है, कहाँ आप रहते कहाँ पे? मैं तो सर रहता हूँ अपना खुरगुड़े मोहल्ले में सर। अच्छा अच्छा जी, तो सरकार राशन भी दे रही है, पेंशन भी दे रही है, 2,000 रुपये भी दे रही है, हम लोग को तो कुछ नहीं मिल रहा है सर। कुछ नहीं मिल रहा ना। तो क्या लग रहा है, ये सरकार से खुश नहीं है तो आगे क्या लग रहा है? आगे अब सर जी देखो क्या होगा, अब जो होगा सर जी, अब सरकार जो करे। आपको क्या लगता है क्या होगा? अब देखो सर, हम इसमें क्या कह सकते हैं, अब आगे महंगाई होगा या सस्ता होगा सर, क्या होगा पता नहीं। कि कुछ लोगों की राय थी कि जो हरबंस कपूर है वो सीट तो पक्की रहती है, लेकिन हालांकि इन लोगों का मानना है कि उत्तराखंड में बीजेपी ही दोबारा सरकार बनाने जा रही है। वहीं कुछ लोग महंगाई से परेशान भी हैं। कैमरामैन विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। अब महंगाई ये मान के चलो कि महंगाई इस स्तर पे नहीं है, इस स्तर पे वैक्सीन तो वो तो उनका काम है, वो तो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो लोग मर जाएंगे, तो उनको कहाँ दफनाएंगे, क्या करेंगे? सरकार से देखो, सरकार से नाम मात्र के खुश है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।